मोल तोल इंडिया में आपका स्वागत है। खास खबर के इस कार्यक्रम में मैं कमल शर्मा सोया ऑयल CPO और सोयाबीन के हालचाल पर बात करेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट मुंबई के कमोडिटी हेड डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से चांदी और शेयर बाजार में निवेश पर बातचीत मनी DCS के जयप्रकाश गुप्ता से कॉटन सीड केक एवं गंवार की क्या होगी अगली चाल राय जानेंगे इंटेली ट्रेड सर्विसेज मुंबई के रिसर्च हेड दिनेश सोमानी से। मनोज जी, सोया ऑयल और CPO में अभी बढ़त जारी है जबकि सोयाबीन भी बाउंस बैक हुई है अपने निचले लेवल से, क्या लेवल हो सकते हैं अगले ट्रेडिंग सेशंस में? नमस्कार कमल जी, बिल्कुल ये सप्ताह में हमने देखा है कि तेल और सोयाबीन में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। हालांकि सोयाबीन की कीमतों में कल मानसून की जो खबरें आई थी उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन आज के सत्र में निचले स्तरों से फिर सुधार देखने को मिल रहा है। तेलों में खरीदारी अभी भी बनी हुई है। आज मलेशिया की भी जो रिपोर्ट आई है तो पाम का एक्सपोर्ट जो है मई महीने में बढ़ा है मलेशिया में, तो कहीं ना कहीं जब ग्लोबल इकोनॉमी जो रीओपन हो रही है तो खाने के तेलों की जो ग्लोबल डिमांड है वहां पे सुधार देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि तेलों में अभी रुझान जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो चाहे वो रिफाइंड सोया तेल हो या CPO हो, अभी भी यहाँ पे बाय ऑन डीप की रणनीति जो है कारगर रहेगी। जून सोया तेल वायदा की अगर बात करें तो 820 के आसपास यहाँ सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, तो गिरावट में खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। ऊपर में 830 से 34 की रेंज में मुनाफा वसूली करें और यहाँ पे 814 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं अगर CPO की बात करें तो वहां भी 672 से 674 के दायरे में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो गिरावट में वहां भी खरीदारी कर सकते हैं 666 के स्टॉप लॉस पे। ऊपर में 690 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं तो वहां मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। वहीं सोयाबीन अगर वायदा की बात करें तो यहां भी निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट देखने को मिले हैं, तो 3820 के आसपास यहां स्ट्रांग सपोर्ट है। 3820 से 3840 के दायरे में खरीदारी करना चाहिए, 3380 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। वही कीमतें एक बार फिर से जो है रेजिस्टेंस लेवल 3900-3920 अगले 102 ट्रेडिंग सेशन में जो है टेस्ट कर सकते हैं। दिनेश जी, गंवार सीड वायदा ने बढ़त बनाई है, किस तरह के मूवमेंट अगली बार ये कर सकता है गंवार सीड आने वाले सेशंस में? जी नमस्कार कमल जी, पिछले कुछ 3 दिनों में हम देख रहे हैं कि गंवार सीड में निरंतर वॉल्यूम कंटिन्यूस बढ़ रहा है। मतलब पहले जो वॉल्यूम 8 से 10 हजार टन हुआ करता था, अब बढ़कर वॉल्यूम करीब करीब 18,000-15,000-17,000 टन ऐसा डेली वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक ट्रेडिंग इंटरेस्ट इसमें बढ़कर दिखाई दे रहा है, बट पिछले कई दिनों में रेंज बाउंड में चल रहा है मार्केट। मतलब नीचे में जो 3500 का घर नहीं तोड़ रहा है, ऊपर में 3650 से ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर लंबे अवधि के लिए देखा जाए तो 3650 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो 3850 तक का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है, और 3540 के नीचे क्लोज होता है तो इसमें स्टॉप लॉस कर दिया जाना। कॉटन सीड ऑयल केक में भी आज गिरावट रही कारोबार के अंत में, किस तरह की मूवमेंट उसमें देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल केक काफी वोलेटाइल आइटम हो चुका है DNCDS के एस्पेक्ट में, और ऊपर में 2230 के आसपास से जैसा पहुंचता है वहां पर एक सेलिंग प्रेशर बनकर आता है, और नीचे में जब 2180 के आसपास आता है तो इसमें दोबारा खरीदारी देखी जाती है। तो नॉर्मली अगर ये कहीं 2070-75 मिलता है तो इसे निश्चित रूप से बाय करना चाहिए। 2145 के बिलो इसमें स्टॉप लॉस डाला जाए और 2230 इसका लक्ष्य देखा जाए। जयप्रकाश जी, किसी इन्वेस्टर को सिल्वर में इन्वेस्ट करना हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो किन लेवल पे करना चाहिए और क्या उसे रिटर्न मिल सकता है सिल्वर में? देखिए सिल्वर क्या एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और यहाँ थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने के आसार बन रहे हैं, इससे काफी वोलेटाइल हो रखा है। लेकिन अगर किसी को निवेश करना हो तो मेरे ख्याल से 46,500 से 47,000 का बड़ा अच्छा लेवल है। वहां अगर कोई बाई करता है और साल भर का अगर व्यू लगता है तो मुझे लगता है 55,000 से 56,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा जब ये 47,000 के नीचे आए तो वहां पे धीरे धीरे बाइंग एक्युमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए सिल्वर में। जयप्रकाश जी, स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है,
ऐसे में कौन से स्टॉक्स या कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिससे एक इन्वेस्टर को बचना चाहिए इस समय? देखिए, जो सबसे वल्नरेबल या सब जो इम्पैक्टेड सेक्टर लग रहा है वो तो आपका है हॉस्पिटैलिटी और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये दो सेक्टर काफी रिस्की हैं। हालांकि जो जब से स्टिमुलस पैकेजेस के अनाउंसमेंट हुए हैं तब से यहाँ पे बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो ये क्वार्टर है इसके रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो हायर लेवल्स पे कोई अगर बाइंग साइड में है तो बिल्कुल ही एग्जिट ले ले अपने पोजीशन से। और दूसरा, यहाँ पे होटल और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा मुझे लगता है इस महीने के बाद से। तो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी या जो भी होटल इंडस्ट्री के शेयर्स हैं और बैंकिंग एनबीएफसी में जो कमजोर प्लेयर्स हैं उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। फार्मा सेक्टर ने एक काफी अच्छी बढ़त बनाई है, क्या फार्मा सेक्टर में इस हायर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना एक कैसा कदम होगा? देखिए, फार्मा ऑलमोस्ट 6 साल के बाद ये फिर से वापस मोमेंटम में आया है और आगे चल के जिस हिसाब से लोग हेल्थ कंसर्न रहेंगे तो फार्मा एज अ सेक्टर बेहतरीन है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन उसमें एक अप्रोच होना चाहिए मेरे ख्याल से। फार्मा ने म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप जो भी फार्मा या हेल्थ केयर के फंड हैं उसमें आप पैसा निवेश करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में एंटर करना इस लेवल पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो मेरे ख्याल से फार्मा में आपको एंट्री करना चाहिए तो म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू करना चाहिए। आपने हेल्थ की बात कही तो ऐसे में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उनके शेयरों में बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया था पिछले समय, लेकिन कोरोना के बाद उस पर ध्यान गया है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सेक्टर है और आपने सही चीज को आइडेंटिफाई किया। क्योंकि देखिए, लोगों का एक हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति अब रुझान बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे टर्म लाइफ में भी अगर आप देखें तो प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस के ओवरऑल प्रीमियम्स बढ़े हैं, तो जिसके कारण इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, इंश्योरेंस कंपनीज को। तो इसमें काफी अच्छे कंपनीज हैं। लाइफ साइड में अगर आप देखें तो HDFC बेहतरीन कंपनी है जिसमें निवेश किया जा सकता है। तो इंश्योरेंस एज अ सेक्टर आगे चल के भी ग्रो करेगा तो मुझे लगता है इसमें भी एक बेहतरीन मौका है जहाँ पे निवेश के तौर पे यहाँ भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए।